अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और ये देखें जी, आसमान कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है आपको। देखें कितना क्लियर और कितना साफ है, कितनी खूबसूरती है आसमान में। और हम जा रहे हैं, इस टाइम मैं जा रही हूँ नौफरी ग्रॉसरी के लिए। आसमान को मैंने उसके बाबा के पास छोड़ दी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी के लिए। बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, क्योंकि आसमान को मैंने बाहर लेकर जाना है, उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। लेकिन व्लॉगिंग भी करना थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम करती हूँ, तब तक आसमान भी सो के उठ जाएगा। तो आज आपको सैर करवाते हैं अगेन नौफरी की। चलिए करते हैं ग्रॉसरी मिल के। वैसे हो जिसको भी लगता है कि ये व्लॉगिंग करना बहुत आसान काम है, तो नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल है। टाइम नहीं निकलता, टाइम निकालना पड़ता है, और स्पेशली जब आपका टोडलर हो बेबी, तो वो फुली डिमांडेड होता है। तो बस उसको भी देखना और फिर व्लॉगिंग भी करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, तो ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आप सबकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मैंने बिल्कुल जो है, मुझे मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। अपने सफ़र की तरफ रवा दवाएँ। यहाँ पे जो है मौसम शाम का हो चुका हुआ है, तकरीबन यहाँ के 6 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह जो होती है, रात जो होती है, रात बहुत लेट होती है। तकरीबन 10 बजे के बाद रात होना शुरू हो जाए, रात होती है, और फिर जब सुबह नहीं होती है तो वो 4 बजे ही स्टार्ट हो जाती है सुबह ना। दिन बहुत लंबा है इधर, आप देख सकते हैं कितने मज़े का वेदर है। धूप भी निकली हुई है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। और अ ब्यूटीफुल वेदर ऑफ कैनेडा यू कैन सी। और ये जो बर्ड शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, इस बाइक को ज़रा ज़्यादा जल्दी सी जाने की है। ये देखिए, ये तो बर्ड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ना। ये तो यहाँ का सबसे खूबसूरत परिंदा है, ज़बरदस्त सी हवा चेक करें। और चलें मिलते हैं ग्रॉसरी स्टोर और देखते हैं मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की। स्टे विद मी, ओके। और यहाँ पे कार्ड लेने के लिए आपके पास $1 होना ज़रूरी है। जब आप $1 अंदर डालेंगे तो ये आपकी कार्ड का लॉकअप होगा, और फिर जब आप जो है ये कार्ड यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद दोबारा आपने इसको लॉक में डालना है, तो आपका $1 बाहर आ जाएगा। लेकिन $1 होना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत ही अच्छी ऑफर लगी हुई थी वाटरमेलन की, और जी मियाँ जी को खाना था सलाद, तो हमने ली गाजरें और ये बंद गोभी, बहुत ही आज फ्रेश पड़ा हुआ था सामान सारा, वेजिटेबल भी बहुत फ्रेश थी। और ये देखें, आज तो बनाना तो ऐसे ख़त्म हो गए थे जैसे पता नहीं क्या ही हुआ, सब भी बनाना ले गए। और जी यहाँ पर लिए मैंने टमाटर, वैसे भी वीकली जो है ग्रॉसरी करती हूँ, और हर वीक मैं ये चीज़ें लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पता है घर में तो कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ ही रहता है, और हम औरतों को तो स्पेशली भूलने की भी बीमारी है। सॉरी आपको औरत कह रही हूँ, लेकिन नहीं, हम लड़की हैं भाई। और ये बहुत ही फ्रेश आई हुई थी स्ट्रॉबेरी, और जिंजर भी बहुत फ्रेश आया हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा सा घर के लिए जिंजर ले लिया। और ये देखें, इतनी ज़्यादा नान की वैरायटी है, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब बिल्कुल भी नहीं खाते ये सब चीज़ें, तो अजलान साहब भी सेम, तो मुझे ये खुद घर में बनाना पड़ता है। ब्रेड की भी बहुत सी वैरायटी थी, और इस दफ़ा मैंने होल व्हीट ब्रेड लिया है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और यहाँ से मैंने मिल्क लिया, मैं तो ये पिंक वाला ही मिल्क यूज़ करती हूँ, ये बेस्ट है। और ये देखिए मेरी कार्ट, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की ऑफर आई हुई थी, सॉसेजेस की भी मैं देख रही थी, मल्टीपल सॉस थी,
लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि मैं इनमें से किसी के टेस्ट को भी नहीं जानती थी। ये इन सब के टेस्ट जो हैं, जाहिर है मैं न्यू हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कि सबके कैसे टेस्ट हैं। और जी, पास्ता के लिए मैंने यहाँ से मैक्रोनी लिए, और फिर मैं यहाँ पे देख रही थी, और ये मुझे तंदूरी मसाला मिल गया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने 2 पैकेट ले लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ लोगों को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है सबकी प्राइवेसी है, तो उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो ये देखिए, मज़े मज़े की चीज़ें। बस मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और अपनी चीज़ें भी देख रही थी कि मुझे क्या चाहिए। असलान जूसेस जो है वो पीता है, तो इसके लिए मैं इसके लिए लाजमी लेके जाती हूँ। और आजकल उसका मैंगो फ्लेवर है, मैंगो जो है उसको बहुत पसंद है, तो फिर मैं इसके लिए ले लेती हूँ। और जी, अब मैं देख रही थी कि बटर में कोई ऑफ़र लगी हुई है कि नहीं, लेकिन नहीं, कोई बटर में ऑफ़र नहीं थी। फिर मैंने एक उठा लिया, चाहिए तो था ही। यहाँ पे बहुत मज़े की ऑफ़र लग जाती हैं, तो आपको ऑफ़र में सस्ती चीज़ मिल जाती है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप वेट किया करें, और अगर ऑफ़र लगी हो कोशिश करें तो आप 2 दफ़ा डबल चीज़ ले लें, इससे आपकी बचत हो जाती है और आपको सस्ती पड़ जाती है। ये देखें, यहाँ पे तंदूरी समोसा, ये सब हलाल थे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और स्प्रिंग रोल भी थे बड़े मज़े के, ये सब चीज़ें हलाल हैं। इवन यहाँ पे छोले भटूरे भी पड़े हुए थे फ्रीज हुए हुए, अगर किसी ने खाने हो तो वो जाके लेके आ सकता है। स्पेशली जो सिंगल लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ से जो है पकी पकाई चीज़ें जो फ्रीज हुई होती हैं वही जाके लेके खा लेते हैं। और ये देखेंगे, मैंने जूसेस लिए, फिर मुझे यहाँ पे ऑफ़र नज़र आई, मैंने कहा चलो इस ऑफ़र को ट्राई करते हैं, इसके जूसेस कैसे होते हैं। और फिर यहाँ पे ये आइसक्रीम्स की ढेर सारी वैरायटी जी। असलान को अब हम लेके जा रहे हैं पार्क में, ग्रॉसरी से मैं आ गई थी, ग्रॉसरी ज़्यादा सामान हो गया था, तो फिर मैं जो हूँ एक हाथ से सिर्फ पकड़ने वाला नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो सामान ही समेटो पहले। और ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा एक पार्क है, यहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और यहाँ पे डॉग्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। देखिए आप, वहाँ पे भी फुटबॉल खेला जा रहा है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वो असलान की डेस्टिनेशन है जो असलान खेलता है। तो चलें देखते हैं, मेरी दोस्त भी वो है सामने ही, मुझे नज़र आ गई है वो भी आई हुई है, तो चलते हैं पार्क की तरफ। ये यहाँ पे मुझे डांट रही है कि टाइम देखा है कि तुम लेट आई हो। मैं वाकई लेट हो गई थी। तो ये देखिए मज़ेदार इवनिंग, ये मुझे कैंडा का फ्लाइट मज़ेदार लग रहा था, मैं चलो इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ पर देखें, मज़ेदार किस्म का मौसम है, और आज तो बहुत ज़्यादा बच्चा पार्टी आए हुए थे पार्क में। ये सब असलान के फ्रेंड्स हैं, ये सब असलान इनके साथ खेलता है, और अभी थोड़ी देर में असलान की एक और फ्रेंड आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट अब वीकेंड्स हैं, इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो अपने किड्स को लेकर आए हुए हैं, तो मेरी भी सारी दोस्तें आई हुई थी। और ये देखिए जो है यहाँ पर बच्चा पार्टी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ का वेदर अच्छा होता है, तो जाहिर है जो है पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बाहर ले आते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। और ये देखिए असलान अपनी स्कूटर चलाते हुए भगा रहा है, और यहाँ पे अब साइकिलिंग स्टार्ट हुई हुई है। और ये देखें जी, असलान की यहाँ पे फ्रेंड भी आ चुकी है ईसा, और असलान यहाँ पर जो है खूब मस्तियाँ करते हुए फुल जोश में था आज, इसकी जो है
सारे ही दोस्त आए हुए थे तो वेरी एक्साइटेड, ये बहुत एक्साइटेड था। और इन टॉयज़ को तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, अज़लान की ये टॉयज़ तो हमेशा ही रहते हैं इनके साथ। तो चलें जी, फिर अब हमारा वापसी का टाइम हुआ, अब हम वापसी की तरफ हैं, तो क्या चलते हैं। काफ़ी दिन टाइट था, मतलब भाग दौड़ में ही। और ये देखें, ये बहुत ही मज़े के फ्लावर्स थे वाइट, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, इतने ज़बरदस्त थे। हम बचपन में इनको समझते होते थे कि इनको उड़ाएंगे तो दुआ करेंगे, वो दुआ कबूल। चलें जी, दें अब हमें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।